अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद और मैं हूँ आज लाला मूसा। लाला मूसा के हवाले से मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ है मेरे कोलीग उस्मान, ये लाला मूसा में रहे हैं 3-4 साल, तो ये लाला मूसा को मुझसे बेहतर जानते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि लाला मूसा की क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे लोग कैसे हैं। जी उस्मान, लाला मूसा में सर मैं बताऊंगा कि एक तो यहाँ पे जो है मशहूर है वो ये है कि यहाँ का लोगों के बारे में बताया जाता है कि ज़्यादा लोग कारोबारी हैं। आप देखेंगे कि छोटे और बड़े सारे लोगों ने कारोबार अपने बनाए हैं। एक चीज़ दूसरे नंबर पे मुझे जो पता है वो ये मशहूर है इधर के, यहाँ के लोग हर चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। कुछ भी आप देख लें, सिर्फ यहाँ पे मशहूर है कि सिर्फ इंसान ही बना दे, बाकी हर चीज़ को जो है ना डुप्लीकेट बना लेते हैं। और जो चीज़ ये बनाते हैं डुप्लीकेट, वो कुछ भी हो सकती है, उसको आप जब जेन्युइन देखें तो आप कहते हैं कि यार ये तो वैसे ही है, जो इन्होंने कॉपी की हुई है वो अच्छी है। तो ये ओरिजिनल से बेहतर है, ओरिजिनल से बेहतर लगती है। तो इस हवाले से बड़े अच्छे कारोबारी लोग हैं यहाँ पे, और बड़ा अच्छा शहर है, आपने देखा ही है। इसके स्टेशन के हवाले से भी आपके सामने लोग में आएंगे इंशाल्लाह, और बाकी आपको सामने है सारी। और मैंने सुना है उस्मान के जो लाला मूसा के लोग हैं वो हर चीज़ का डुप्लीकेट बना सकते हैं सिवाय इंसान के। हाँ जी ऐसे ही है। तो अगर किसी इंसान का डुप्लीकेट बना सकते ये, तो मैं उनसे ये कहता था कि मेरा डुप्लीकेट जरूर बना दे यार, मैं थोड़ा सा स्मार्ट ही हो जाऊँ। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। तो चलिए चलते हैं नाज़रीन, हम आपको लाला मूसा की कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो हम आप विज़िट करवाएंगे। तो लेट्स सी। व्यूअर्स, अब हम उस जगह पे खड़े हैं जीजी रोड पे, जहाँ पे पाकिस्तान के मशहूर सिंगर आरिफ लोहार के जो वालिद साहब हैं उनकी कब्र है। और आप पीछे बोर्ड देख सकते हैं कि लाला मूसा में ये जो एक फेमस जगह है जहाँ पे इनकी आखिरी रामगा है। सो व्यूवर्स, मैं हूँ यहाँ पे लाला मूसा में एक और फेमस जगह नोना हलवाई शॉप। इस की बर्फ़ी जो है पूरे लाला मूसा में और सराउंडिंग में खारियाँ गुजरात हर जगह पे फेमस है, और लोग दूर दूर से यहाँ से आके बर्फ़ी खाते हैं और परचेज़ करते हैं। शादियों और ब्याहों में ये बर्फ़ी जो है वो जाती है और बहुत फेमस है। तो चलिए हम आपको अंदर लेके जाते हैं और इसको खा के बताते हैं ये कैसी है। व्यूअर्स, अब हैं हम नोना हलवाई शॉप के अंदर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरह तरह की मिठाइयाँ जो हैं वो पड़ी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इनकी जो सबसे फेमस जो मिठाई है वो है बर्फ़ी। तो आइए हम बर्फ़ी को खा के ट्राई करते हैं कि वो कैसी है और ये क्यों फेमस है। सो व्यूअर्स, ये हमारे सामने नोना हलवाई की मशहूर बर्फ़ी जो है वो पड़ी है, और हम चलिए हम इसको खा के बताते हैं ये कैसी है। वैसे यार उस्मान, मुझे अपनी फिटनेस का इतना ख्याल है कि क्या 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 खिला रहे हो मुझे आप। ज़बरदस्त, बहुत डिलीशियस है, बहुत मज़ेदार है, और इस तरह की यूनिक बर्फ़ी जो है वो लाला मूसा में ही अवेलेबल है। तो जिन लोगों को के घर में शादियां हैं या शादी ब्याह में अच्छी मिठाई जो है वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इनकी इसके अलावा मेन ब्रांच जो है वो लाला मूसा में भी एक शॉप है मेन बाज़ार के अंदर। तो यहाँ पे लोग जो हैं वहाँ पे आके इसको परचेज़ कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। मैंने इतनी लजीज बर्फ़ी जो है वो कभी नहीं खाई।
जो स्ट्रीट फूड खाने के आदि हैं, ढाबा फूड खाने के आदि हैं, तो अगर वो लाला मौसम में हैं तो इन टिक्कियों को ज़रूर ट्राई करें, आप बहुत इन्जॉय करेंगे। सो व्यूवर्स, हम लोग लाला मूसा के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और मेरे साथ हैं उस्मान। उस्मान जो है, इनका जो कि ताल्लुक लाला मूसा से है, तो ये हमें बताएंगे कि इस रेलवे स्टेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। जी उस्मान सर, ये ना लाला मूसा जंक्शन है, जैसा कि आप जानते हैं जंक्शन उस रेलवे स्टेशन को कहते हैं जहाँ से मुल्क के हर इतराफ़ में ना गाड़ियाँ निकलती हैं। तो ये वाहिद स्टेशन है लाला मूसा जंक्शन, जिस तरह वज़ीराबाद जंक्शन है इसी तरह लाला मूसा जंक्शन है। इधर से पाकिस्तान के हर इतराफ़ में ना गाड़ियाँ आपको अवेलेबल होती हैं, इधर से चली जाती हैं। और बहुत बड़ा स्टेशन आप देखें, बड़ा अच्छा और बड़ा अच्छा निज़ाम हो गया हुआ है रेलवे स्टेशन का। जैसे उस्मान ने बताया कि इस रेलवे स्टेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि यहाँ पर हर इतराफ़ में जो गाड़ियाँ जो है ना वो जाती हैं, लोगों को सहूलत है कि वो जिस शहर में जाना चाहें यहाँ से जा सकते हैं। सो व्यूवर्स, लाला मूसा की कुछ बहुत मशहूर चीज़ें जो है वो दिखाने के बाद मैं अपने व्लॉग को जो है वो वाइंड अप करता हूँ। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ कमेंट एंड आल्सो फॉलो माय फेसबुक पेज, माय इंस्टाग्राम पेज एंड आल्सो ट्विटर। थैंक यू। सहलूं साथिया।